अली हसन की में वाकया थी आई ए कोई तो दुकान दो सा को चाती गया है वाली डे मकतब से कोल को लाई मुड़या है वेने वेने नाले दे चढ़ गया है वालू डो गया है वाली डे के था खंबा पिया नहीं उठाई उठाई वाला घन के खड़ा के वाले थे माया क्या है माया अंदरोनी वेना अपने भेण को चा के वाले खड़ा रह गया मैं वाले वो था वो को कितने से आखे से वाला साई थे खड़े आए वालों को अब्दुल्ला को अंदर चा गए वालों को पता नहीं काती आप चाहती हो दाई पता नहीं क्या कितने से वाले मैं से देसी वाला कैसे इन्हें एक इन्हें हाल थी आपे वाले गए पिया वालों थे कि था ऐसा हाथ से हाँ से वालों थे वाणी के अच्छा वालों थे वाणी के वाले सोते ऐसे वाले फजर को उठे ऐसे उन्हें की चिगोट के उनको मार के उन्हें गोश्त बढ़ा के जाल लल्दे दरबार दे बंडा भी आया आधा आप चाहती आया पकवा के खादा ऐसी ये केड़ी दरबार दे साटा है जाल लल अच्छा तो आपको कि मैं पता चला कि उठा मंडा है तो आपको नाल की थी के जी हाँ अच्छा ते तू सा कि मैं वाल वापस आए बे वापस वाली नए दे घर गए आए वाली दे अब एक के रजवान आया नहीं ही को मैं आखे वाले ए अबू को सार गए वाले नाजरीन इस वक्त हम खानगढ़ जिला मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं जहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि दो मासूम बच्चों को एक बच्ची और एक बच्चे को बेदर्दी के साथ ज़िबा कर दिया गया और इतलात ये भी मौसूल हुई कि उन बच्चों को जब ज़िबा किया गया उसके बाद उनका गोश्त बनाया गया। असल हकायक है क्या? वो दोनों बच्चों के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। कैसे ये हो गया, किस तरह से आपको पता लगा कि आपके बच्चे गायब हैं? सर मैं एक छोटा सा मुलाजिम हूँ आपटा में। मैं 1:30 बजे घर आया तो मैंने देखा कि जो अली हसन है वो स्कूल से वापस आया हुआ था, रोटी खा रहा था। उसने रोटी खाई फिर खेलने लग गया, फिर उसने अपनी छोटी बहन को उठाया वो बाहर चला गया। साथ अब्दुल्ला खड़ा था और मेरे इस कज़न का बेटा है अब्दुल्ला ठीक है, जो मेरी भतीजी है उसका बेटा है, वो भी उसके साथ चला गया। थोड़ी देर के बाद मेरे किसके साथ गया जी? अकेले चले गए बाहर। अच्छा दोनों बच्चे? जी दोनों तीनों बच्चे। अच्छा तीनों जी बच्चे। अब्दुल्ला, अली हसन और हफसा, ये तीनों इकट्ठे चले गए। बच्ची भी साथ? जी बच्ची भी साथ थी। ठीक 2 मिनट के बाद मैंने पता कराया कि देखो बच्चे कहाँ पे है। वो मेरा भाई गया, उन्होंने कहा कि बाहर तो नहीं है। फिर मैं खुद चला गया, देखा बच्चे तो नहीं थे। फिर इधर जो हमारे रिश्तेदार हैं, फिर हमने उनके घरों में तलाश करना शुरू कर दिया। जब देखा कि वहाँ पे भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे हमारे घर के बिल्कुल करीब साथ नाले पे बिलाल की दुकान थी, जो मेरा कज़न था रिश्ते में। हमने देखा कि उसका शटल बंद नहीं था, दुकान खुली हुई थी। उसका ना मोटरसाइकिल था और ना ही वो खुद था और ना ही बच्चे थे। ठीक है, बिलाल कौन है? बिलाल वो हमारा रिश्तेदार। अच्छा रिश्तेदार है, कजन है। ठीक है, चाचा का बेटा है? चाचा का बेटा है, सगे चाचा। जी सगे चाचा। उसके बाद हमारे वो एक जिम्मेदार हैं, उनका जो एक आदमी ठहरा हुआ था, उसने देखा कि ये बंदा 3 बच्चों को लेकर जा रहा है। अच्छा जी। फिर हम तो उस साइड पे चले गए कि हम तो उधर तलाश करते रहे, उधर हमें कुछ नहीं मिला। फिर उसने ऐसी चाल चली कि जुम्मे का दिन था, जुम्मे नमाज का टाइम था, हर तरफ से लोग आ रहे थे। उसने 8 दिसंबर का वाकया है ये। 8 दिसंबर बरोज जुम्मा। ठीक है जी। हर तरफ से लोग आ रहे थे, उसने आबादी वाला जो रास्ता था उस पे नहीं चढ़ा। ठीक है जी। जो वीरान रास्ते थे उनमें से चलता 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 वो पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, आप जी तलाश करते रहे, पुलिस को भी इत्तला दी? जी पुलिस को भी फौरन इत्तला दी। ठीक है। उसके बाद मेरा एक कज़न है मोहम्मद नवाज, उसका बेटा आरिफ, वो सब्जी लेने जा रहा था। उसने देखा कि बिलाल है, उसने अब्दुल्ला को आगे बिठाया हुआ है, हफ्सा को पीछे बिठाकर उसने अली हसन को उसके पीछे बिठाया था, वो बहन को काबू करके बैठा।
उसने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। अली हसन ने उसको आवाज़ भी दी लेकिन वो मोटरसाइकिल भगा कर भाग गया। वो एक घंटे के बाद है, उसने कहा उसको तो नहीं पता था, उसने कहा वो उनको तो वो लेकर जा रहा था बिलाल। फिर तस्दीक हो गई आपको कि बिलाल ही लेके जी बिलाल ही लेके यहाँ से तस्दीक हुई जब किसी ने बताया आपको सही है जी। फिर पुलिस ने और हमने उसकी तलाश शुरू कर दी, यहाँ तक कि हम रात के 4 बजे उच्च शरीफ तक पहुँच गए। यहाँ से तकरीबन 60-70 किलोमीटर उसी रोज सही है जी। रात के 4 बजे उसके जहाँ पे रिश्तेदार थे, जहाँ पे उसके कुछ जानने वाले थे, जहाँ पे दोस्त थे, उन सबको हमने तलाश किया लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। नहीं तो बिलाल अकेला रहता था, उसकी फैमिली नहीं थी? उसकी फैमिली, उसकी बीवी रोटी हुई थी। अच्छा जी, वो अपने बेके के घर थी, उसके बच्चे भी उधर थे। बच्चे भी हैं जी, उसके 3 बच्चियाँ हैं। अच्छा। एक बच्ची को तकरीबन 2 महीने उसने अपने पास भी रखा है। सही है, अपनी बच्ची जी, अपनी बच्ची को। वो उसकी अम्मी आई थी तकरीबन 1 हफ्ता पहले, उसको लेकर वापस चली गई थी। आप तलाश करते रहे फिर? जी हम तो तलाश करते रहे लेकिन कुछ ना मिला। हम CDR वगैरह गड़ाई सब कुछ जो है ना, लेकिन आप उस बच्ची के वालिद हैं जी? हफ्सा बीबी। हफ्सा जी, वो कितनी उम्र थी अभी? उसकी 1.5 साल उम्र थी जी, दूध पीती थी अभी जी। चलती थी जी? चलती भी थी। अभी चलना शुरू किया जी? अभी चलना शुरू किया था उसने। सही है जी। तो फिर हमें इतला मिली कि मौजा रख जोगी में है ना, वो बिलाल कहीं पे छुपा हुआ है। अच्छा जी। फिर पुलिस के साथ हम भी गए, देखा तो वहाँ पे वाकई मौजूद थे। एक वीरानी सी कोठी छोटी सी बनी हुई थी, उसमें था। कितने दिन बाद? तकरीबन चौथे दिन। चौथे दिन? हाँ चौथे दिन। ठीक जी, वहाँ 4 दिन तक तलाश करते रहे जी। चार दिन बाद हमें पता लगा वहाँ पे उसके साथ अली हसन भी था, जिसको उसने बांध कर रखा हुआ था। अली हसन जो बड़ा बच्चा जी, था 7 साल का? 7 साल का। वो किसका बेटा है? वो भी मेरा बेटा है। अच्छा, आपका बेटा और बेटी दोनों थे जी? दोनों। और साथ वो बच्चा था दूसरा, अब्दुल्ला इसका? अच्छा जी। ठीक है, ये भी कजन है आपके जी। फिर हम तो उसको उठा कर यहाँ पे आ गए पुलिस स्टेशन। उसके बाद अब्दुल्ला की बाकियात मिली, यहाँ से बनने वाला पे जाओ और इसके बाद है आगे चिमरू वाली, वो उसी की निशानदेही जी, उसी की निशानदेही पर। फिर हमें कमान से एक बहुत बड़ा कमान का बहुत बड़ा था हिस्सा, वहाँ से अब्दुल्ला की बाकियात कुछ मिली थी और उसके 2 दिन बाद हफ्सा की बाकियात मिली। तो किस तरह से उसने जालिम ने ये सब कुछ किया ये तो उसी को पता है, पता नहीं उसके दिल में क्या था, लेकिन हमारे साथ तो उसकी कोई रंजिश वगैरह नहीं, कोई रंजिश कोई लड़ाई झगड़ा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो पता नहीं उसके जहन में क्या कैसे था। कैसे बच्चों को उसने बेदर्दी के साथ कत्ल किया, हम क्या कह सकते हैं? बताते तो ये है कि उसने ज़िबा कर दिया है बच्चों को। ज़िबा किया उसने जी। अच्छा, और गोश्त भी बच्ची के बनाता रहा सर, ये तो हमें नहीं पता। ये वो बच्चे ने आपका जो बेटा था उसने बयान भी दिया जी, था। बच्चा कहता है कि उसने ऐसा किया है। अच्छा, क्या कहता है बच्चा? बच्चा कहता है कि उसने जाकर एक छोटी सी होटल है, होटल में जाकर उसने गोश्त बनाया है। अच्छा जी, एक छोटी सी वो कोठी बनी हुई थी होटल की, उसी में बैठकर उसने नीचे एक वो रखी लकड़ी, उसके ऊपर उसने गोश्त को बनाया है। पकाया? नहीं, बनाया है। अच्छा, बनाया जी, उसको काटा है, मतलब काटा है जी। अब तो बताते हुए भी दिल घबराता है जी। बच्चा अभी बहुत सहमा हुआ है, अभी तक वो ठीक तरह से बातें भी नहीं करता। तो उस वो उसका ये भी प्लान होगा कि इसे भी कहीं पे मार देता वो शायद, अगर आप और पुलिस ना पहुंचे। जी जी बिल्कुल, जो उठाकर ले गया वो ऐसे तो नहीं उठाकर ले गया। आपकी बात नहीं हुई उससे कि क्यों कर दिया ये सब कुछ हमारे साथ? बस वो कहते कि मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती होती है? किस वजह से गलती हो गई, क्या कहता है? बस और कोई बात भी नहीं करता। नहीं, अभी तो ये इतलात मिल रही है कि उसकी बीवी और बच्चे जो रूठे हुए थे उस रंजिश पर उसने ये किया। आप कहते हैं कि ये उस रंजिश पर है कि आप उसे मनाने के लिए नहीं जा रहे थे या जो हम भी? हमारी जो इनके ससुराल हैं ना, उनके साथ हमारी भी नहीं है। तो इसके भाई भी नहीं है? इसके भाई हैं, इसकी अम्मी भी है, इसकी बहनें भी हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं। तो आप ही के बच्चों को क्यों टारगेट किया? यही तो समझ नहीं आती कि पता नहीं उसके जहन में क्या बात आ गई।
जी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं लड़ाई झगड़ा तो कुछ नहीं था, लेकिन मेरी गुजारिश है कि इस मामले को जल्द अज जल्द इस कुकैफर गिरदार तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल जी चाहिए। इस जालिम को अगर रखना ही है तो फिर ठीक है हम लिख देते हैं, ठीक है बाकी किसी और का घर भी बर्बाद करें, इसको परसू करेंगे कि इसको जरूर सी बात है जरूर करेंगे। हम तो चाहते हैं कि इसको फौरन खत्म कर दें बस, अब इसका केस चलाने का मतलब ही क्या बचा है बाकी। ये तंदुरुस्त है ज़हनी तौर पे, आप इसे शुरू से जानते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी इनके तनाजे होते हैं घर में अपने भाइयों के साथ, कभी कभी वो मकारियां करता है जी, जब उसका झगड़ा होता है। क्या करता है? दो दिन रोटी ना खाई, सारा दिन लेटे रहते हैं जी। इस तरह से? इस तरह की। आपके साथ कभी कोई झगड़ा? आपके साथ, हमारे साथ कोई झगड़ा नहीं। पुलिस ठीक काम कर रही? जी पुलिस ठीक काम कर रही। मुलजिम गिरफ्तार हो गए? जेल भी चला गया? जी सही है।